स्वागत है आपका ट्रैवल फॉर विथ हनीफ में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डीजल लोको शेड मौला अली के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी हासिल करने वाले हैं। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मुझसे की थी प्रसाद जोशी सर ने और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। और जो भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, मगर इससे पहले कि अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए जानते हैं डीजल लोको शेड मौला अली के बारे में। डीजल लोको शेड मौला अली ये साउथ सेंट्रल रेलवे के हैदराबाद डिवीज़न में हैदराबाद में स्थित है। डीजल लोको शेड मौला अली लगभग 111 लोकोमोटिव को मेंटेन करता है। डीजल लोको शेड मौला अली लगभग 80,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 13,300 स्क्वायर मीटर्स का लोको शेड बना हुआ है। इस लोको शेड में लगभग 4 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है और इस लोको शेड में लगभग कुल 23 पॉइंट्स बने हुए हैं। डीजल लोको शेड मौला अली में ख़ासतौर से मौला अली डीजल इंजनों और डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट डेमो का रखरखाव का काम किया जाता है और इसके अलावा SPART यानी सेल्फ प्रपोल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और SPMRV सेल्फ प्रोपेल्ड मेडिकल रिलीफ वैन और 140 टन क्षमता वाले ब्रेकडाउन क्रेन का रखरखाव का काम किया जाता है। तो चलिए जानते हैं डीजल लोको शेड मौला अली के बारे में। मौला अली डीजल लोको शेड साउथ सेंट्रल रेलवे का डीजल लोको शेड है और साउथ सेंट्रल रेलवे के मौला अली डीजल लोको शेड ने 26 जनवरी 2021 को यूरोप में NXX द्वारा लीन 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला लोको शेड बनने का सम्मान हासिल किया है। और वो इसलिए हासिल हुआ जिसमें सुरक्षा यानी सेफ्टी, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी और रखरखाव की लागत में कमी का यानी रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट, इस क्षेत्र में हमेशा सुधार की कोशिश में इस डीजल लोको शेड ने काम किया है, इसलिए उसको इस काम को सराहते हुए सम्मानित किया गया। डीजल लोको शेड मौला अली का निर्माण साल 1984 में किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि YDM-1R और YDM-2 इन डीजल इंजनों के मेंटेनेंस के लिए इस लोको शेड को बनाया गया था। इससे पहले ये शेड मीटर गेज और ब्रॉड गेज हाइड्रोलिक इंजनों का रखरखाव करता था और इसके बाद इसमें तरक्की होते होते सन 2002 में यहाँ पर WDM-2 इस जैसे मेन लाइन इंजनों को भी यहाँ पर मेंटेन किया जाने लगा। अब मौला अली डीजल लोको शेड में मौला अली डीजल इंजनों और डेमो डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट को रखरखाव यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड दुर्घटना राहत ट्रेन, सेल्फ प्रोपेल्ड मेडिकल रिलीफ वैन और 140 टन क्षमता वाला ब्रेकडाउन क्रेन का भी इस डीजल लोको शेड में रख रखाव किया जाता है। इस वक्त में मौला अली डीजल लोको शेड के पास WDM-2 के 11 यूनिट मौजूद हैं, WDM-3A के 31 यूनिट मौजूद हैं, WDG-3A के 41 यूनिट मौजूद हैं, डेमू के 25 यूनिट मौजूद हैं, DHMU 3 यूनिट मौजूद हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड दुर्घटना राहत ट्रेन 2 यूनिट में मौजूद हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड मेडिकल रिलीफ वैन 1 यूनिट में मौजूद हैं और 140 टन कैपेसिटी वाला ब्रेकडाउन क्रेन 1 यूनिट में मौजूद हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आप का और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।